नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मंडरा रहे हैं बादल, पीडीडी के दावे खोखले। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे देश में मनाया गया योग दिवस। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। पीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सी जी, सबसे हम पहले बात करते हैं चुनावों को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। चुनावों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन जो चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, मुख्य पीके पोले, उन्होंने कहा था कि यहाँ तीन चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें असेंबली का नाम नहीं था, पार्लियामेंट का था, लोकल बॉडी का था, पंचायत का था। लेकिन अब देखने वाली चीज़ यह है कि इनके ऊपर भी बादल मंडरा रहे हैं, क्या लोकल बॉडी के चुनाव हो पाएंगे या नहीं। श्रीनगर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उनके चुनाव जो उनका जो टर्म है 5 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, और जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी 9 जनवरी को ख़त्म होगी, और इससे पहले जो बाकी पंचायतें हैं उनके भी टर्म खत्म होने जा रही हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कवायद नहीं है जिस लग रही सामने कि ये चुनाव हो पाएंगे। जब पंचायतों की बात करें तो पंचायत एसोसिएशन ने कहा है कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए हमारी पंचायतों की, जब हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की डिलिमिटेशन हुई है तो पंचायतों की डिलिमिटेशन भी होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो मतदाता सूचियों हैं, सूचियों के बारे में भी अभी कुछ नहीं किया, उनमें भी संबोधन जो था विमोदन जो था उनकी जो चीज़ें थी वो सब कुछ हुई नहीं, नए एडिशन नहीं हुए। पंचायतों की स्थिति यह है कि वहाँ हर साल बहुत बड़ी चेंज आती रहती है, और इसमें से ये सबसे बड़ी बात ये है स्थिति, जब आपने असेंबलीज के अंदर डिलिमिटेशन करके एक बहुत बड़ी चेंज लाई है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कहीं से कहीं मिला दिया, कहीं से आरएसपुरा को गांधीनगर से हो गया, गांधीनगर का कहीं बहू फोर्स में हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो उनके साथ साथ पंचायतें भी तो बदल गई हैं ना, उनका अभी तक कोई ऐसा नहीं हो रहा कि डिलिमिटेशन उनकी हो, तो चुनाव किस तरह होंगे और इस पर यही जाहिर हो रहा है। और अगर आप किसी नेता से पूछो कि चुनाव कम हो रहे कब हो रहे हैं तो वो बोलेंगे नहीं, कोई बताएंगे नहीं, किससे बात करो। लेकिन ये बात तो बार बार यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति सही है, जब पूछा जाता है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, बीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, ये भी हो जाएंगे। लेकिन अब इन सब पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे कहते हैं किसी आदमी से पूछे भूखे से दो और दो, वो कहते हैं 4 रोटी। स्थिति कमोबेश वैसी है। चुनाव की बात आती है, लोगों को सिर्फ लगता है कि लोकसभा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नज़र सीधी लोकसभा में जाती है। जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसकी ओर कोई तवज्जो देने को तैयार ही नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। आपने जैसे खुद कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कार्यकाल है 5 नवंबर को खत्म हो रहा है, 14 नवंबर को जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो रहा है। इसी प्रकार जो पंचायतें हैं जो उसका कार्यकाल अगले साल जनवरी 9 को ख़त्म हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अक्टूबर नवंबर में अगर आपने चुनाव म्यूनसिपैलिटी के कराने, म्यूनसिपैलिटी का मतलब लोकल बॉडी, दूसरी कमेटी भी होती है, चूँकि सिटीज़ के अंदर कॉरपोरेशन होती है तो उधर म्यूनसिपैलिटी होती है। अब आपके पास लिस्टें नहीं हैं, आपके पास परिसीमन नहीं है, और हमने देखा है कि जब परिसीमन असेंबली का हुआ था उसने कम से कम 2 साल से ज़्यादा का समय लिया था परिसीमन करने में, ऑन रिकॉर्ड है। केवल विधानसभा नहीं, अनंतनाग सीट को रजौरी पुंछ से जोड़ दिया, उसके सियासी मायने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम जो है वो कोई लगता है कि कहीं चरस पीकस हो गया है, उनको समय नहीं आ रहा कि भाई आपने अगर ये कि लोकतांत्रिक सिस्टम को जिंदा रखना है, ये कवायद तो पैरेलल चलती रहती है, इसमें कोई लुका छुपी की आदेश लेने की बात ही नहीं है। आप जब विधानसभा सीटों का, लोकसभा सीटों का परिसीमन कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं करते भाई लोकल बॉडीज का, आप पंचायतों का क्यों नहीं करते? और अब ये विषय उठ रहा है कि शायद
शासन जो है प्रदेश का और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियां बनाएंगे मिस्टर पी के पोले, शायद इस ओर कदम बढ़ाएंगे। और ये अच्छा, यहाँ कंट्रोवर्सी एक और है, मिस्टर के शर्मा बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ के, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, डिफंक पड़ा है, उस पर भी कोई बात साफ नहीं हो रही। अब अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिस्टर पी के पोले जो डिप काम रहे कश्मीर के, उनको यहाँ से यहाँ भेजा गया, तो भाई साहब चुनाव की तैयारी कर रही है ना, लोकसभा तो अगले साल मई में ड्यू है, हो सकता है समय से पहले हो जाए, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं लोगों के, बिजली पानी सड़क, ये सब चीज़ें तो म्युनिसिपैलिटी से जुड़ी है ना, चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे चाहे शहरी में आए। तो ये बड़ा एक हम समझते हैं कि हालांकि एक्सेलसर ने आज खबर छापी है इस पर, लेकिन सवाल ये है कि सरकार और शासन जो हमारा चूंकि यूटी है, ये आखिर क्यों सोया हुआ है, ये क्यों नहीं समझता कि भाई असेंबली को लेकर तो लगातार आवाजें उठ रही हैं, वो अधिकार आपने छीन लिया पिछली 19 तारीख को, दो दिन पहले, पूरे 5 साल हो गए यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल शासन के चक्कर में, चुनाव हुए थे 2014 में अक्टूबर नवंबर में, तो आखिर लोगों को इन लोकतांत्रिक सिस्टम में क्यों महरूम रखने के लिए। एक बहुत बड़ा ये चीज थी, जब हम चुनावों की बात करते थे ना जी, तो एक ही जवाब आता, क्यों नहीं होने चुनाव, चुनाव तो हो रहे हैं जी, बीडीसी के हो रहे हैं, डीडीसी के हो रहे हैं, लोकल बॉडीज के हो रहे हैं जी। लेकिन एक बात और भी है सतीश जी, जैसे इस तरह से जम्मू के मेयर ने एक इशारा भी किया था पिछले दिनों, आपको याद होगा कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए जी, बिल्कुल कार्यकाल बढ़ाया जाए बिल्कुल, तो जम्मू के मेयर जो है वो इस मामले में बहुत तेज, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल, और ऐसा तो नहीं है कि उनका कार्य, अगर यही चीजें पीछे पड़ती जाती हैं तो कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है इनकी, मजबूरी है, देखे ना चुनाव ना कराए जाने तक आपको उसी सिस्टम को रखना पड़ेगा। तो कहने का बोले कहीं कोई राजनीतिक खेल तो नहीं चल रहा पर्दे के पीछे, इसीलिए डिले टैक्टिक्स हो रही है, ये डिले टैक्टिक्स। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि देखते हैं कि मिस्टर पी के पोले जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हमारी स्टेट के, वो इस पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। बुनियादी दो चीज़ें हैं, एक सूचियों का, मतदाता सूचियों का नवीकरण, दूसरा परिसीमन डिलिमिटेशन, चूंकि चुनाव तो उसी आधार पर होंगे। आपने देखा कि जिस पर असेंबली को लेकर करीब 85 लाख हमारी पूरी स्टेट में मतदाता नए नौजवान भी आए और उम्मीद जगी थी कि चुनाव हो जाएंगे, वो चुनाव नहीं हुए। तो क्या जम्मू कश्मीर का पूरा जो चुनावी सतही तौर पर जो चुनावी सिस्टम है असेंबली से लेकर पंचायत लोकल बॉडीज, क्या इसके ऊपर क्या कंबल ओढ़ाने की कोशिश है कि सिर्फ लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव देखें उसके अलावा कोई ना देखें, तो ये सवाल यक्ष प्रश्न बना रहेगा। वो पंचायतें या पंचायतें कम होंगी या ज्यादा होगी, जिस तरह से असेंबली सीट्स बढ़ा दी हैं बिल्कुल, उसकी वजह से पंचायतें कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं बिल्कुल, ये सब चीजें जब तक सामने नहीं आएंगी बिल्कुल, ये धुंधलका है, धुंधलका, जब तक इसके ऊपर कवायद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सतीश जी आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको लेके आज सभी जगह योग की जो करवाया गया है सुबह, और जम्मू में भी योग दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हर जगह जगह है, चाहे वो MM स्टेडियम था या क्लब जितने भी थे, जम्मू क्लब था, जितने भी योग सेंटर थे उन सब ने, और सबसे बड़ा जो आज गुलशन ग्राउंड में PMO के मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे उनकी अगुवाई में वहाँ एक बहुत बड़ा योग दिवस लगा। बिल्कुल, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि योग के बारे में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग गुरु रहे, उनके ज़माने से योग के हमने महत्ता को समझा था, लेकिन इसको जो एक प्रचार मिला विश्व स्तर पर वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल बिल्कुल मान्यता जो मिली। तो हम समझते हैं कि आज का दिन चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुलशन ग्राउंड में करवाया, लेकिन हम देख रहे थे बहुत से नेता, बहुत से डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाके नेवी के साथ मिलकर कराए वहाँ पे, सरस से लेकर LC हो LOC हो IP इंटरनेशनल बॉर्डर हो सब जगह बिल्कुल, जो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेगिस्तान है लेह, वहाँ भी सब जगह योग का हुआ है। लेकिन हमने इन बीच देखा कुछ नेता केवल फोटो ऑप्स के चक्कर में रहे कि फोटो खिंच जाए और छप जाए, सो रहे, लेकिन ये है कि योग जरूरी है, योग को अगर आप ईश्वरीय शक्ति के साथ जोड़ के देखें केवल, यानी कि आप केवल शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, तो इसके बहुत लाभ। जब योग की बात होती है ना,
तो मैं भारतीय योग संस्थान का नाम लिए बगैर नहीं, उनका बड़ा उल्लेखनीय बहुत बिना किसी किसी चीज का लालच नहीं, बिल्कुल। और उनके जितने भी साधक हैं या जितने भी उनके योग के साथ जुड़े हुए हैं, कोई उन बिना लालच सुभेदभाव के सुबह उठ के योग करवाना, कुछ लेना नहीं देना नहीं, यहाँ नहीं उन्होंने अपनी कोई दवाइयां नहीं बनाई हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए हैं, वो नहीं बेच रहे हैं, बाबा रामदेव निःशुल्क निःशुल्क जो है सबको योग करवाते हैं, उनका तो हर दिन ही योग दिवस होता है। बिल्कुल। और योग वैसे भी हमारे देखिए ना, प्राचीन हमारे हमारे हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया दुनिया को, योग भी हिंदुस्तान की देन है। जी श्री जी, पीडीडी ने दावा किया कि जम्मू में बिजली का कट नहीं लगेगा, दावा तो खोखले साहब द्वारा, आज भी कट लगा हुआ है जम्मू के अंदर, कल भी कट लगा था, आज से तो उन्होंने कहा था बिल्कुल कट नहीं होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 6-6 घंटे कट लगेगा, लेकिन ये खोखले दावे हैं सिर्फ, असलियत में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नौकरशाही का क्या है, उन्होंने जुबान हिलानी है, उन्होंने क्या देना है कि भाई अब कोई कट नहीं शहर में, ये जो रात बीती है इसमें हम जिस इलाके में रहते हैं और इलाके को बात छोड़ दो, 3 से लेकर 4 बार कट लगा 1 घंटे का, बताइए रात को आदमी जो सो रहा है और ऐसे उमस के मौसम में आदमी कहाँ सो पाएगा। तो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये ब्यूरोक्रेसी का फंडा है, ध्यान देने में क्या जाता है, जुबानी तो हिलानी है। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें बात घूम के फिर वहीं आती है, जब तक लोकतांत्रिक सिस्टम की स्थापना नहीं होगी हमारी स्टेट के अंदर, जब तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक नौकरशाही अपने तरीके से पूरी स्टेट और लोगों को हांकती रहेगी। ये था तबसरा दोपहर तक का, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।